विभिन्न रूपों में भक्ति के आयोजन होते हैं और शक्ति को मनाने के महोत्सव होते हैं। आनंद ही आनंद इन महोत्सवों में होते हैं। विशेष रूप से विभिन्न मंडलों द्वारा और विभिन्न आयोजनों के तहत माता जी को खूब भजनों के द्वारा, कीर्तनों के द्वारा रिझाया जाता है, ठाकुर जी को रिझाया जाता है। ऐसा ही यह ग्रुप है और यहाँ खूब आनंद भाव के साथ में ये सभी महिलाएं खूब आनंद भाव से ये महोत्सव कर रही हैं। Thank you.
सेक्टर 14 की हमारे सारे ग्रुप है और हमने साल भर से माँ की चुनरी का नहीं रखा था, मैंने आज पूरा वैसे पुण्य हो गया है। और अष्टमी के हर महीने की जो अष्टमी आती है उस अष्टमी को माँ के हर अलग अलग मंदिर में जाकर के हमें चुंदर चढ़ी है। और आज हमने माँ की कृपा हुई कि लक्ष्मी माँ के मंदिर में सब जन सखिया हम पधार रहे हैं और माँ के चुंदर चढ़ाएंगे, सब हम आनंद ले रहे हैं और इतना आनंद आ रहा है, सब सखिया मिलजुल के मस्त आनंद ले रहे हैं। और अधिक से अधिक संख्या में सखियां जुड़ रही है हमारे साथ। आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है और हमारा तो सबसे नया नया परिचय हुआ है, तो हमारी सखियों ने हमें इतना साथ दिया है कि अभी और आगे जिज्ञासा बढ़ रही है कि हम ऐसे भक्ति भाव में और जुड़े रहे, ये चालू ही रखे, बंद नहीं करेंगे। आप बताओ सुंदर भजनों के साथ हम यहाँ माता जी का हर अष्टमी को आते हैं, अमावस्या के बाद जो अष्टमी आती है। हाँ बोलो बोलो, कैसा आनंद आ रहा है? सब चले बोलो, अच्छा रहा। लक्ष्मी माता हमें सदा ऐसी शक्ति और भक्ति दे और सब सखियों को ऐसी सद्बुद्धि दे, अच्छे आगे कार्य कर लेते हैं। बहुत अच्छे से हमने चुनरी चढ़ाई, अभी माता जी लक्ष्मी माता के मंदिर में हम पधारे, सब सखियां बहुत सारी सखियां आई हुई हैं, अभी और भी जुड़ रही हैं, सबके सहयोग से हमारा प्रोग्राम हो रहा है। हमारा यही मकसद है, हमारा सनातन धर्म आगे से आगे बढ़े और हम सभी इकट्ठे हो जिस प्रकार हर समाज कर रहा है उस तरह से हमारी भेज देगा आपके लेवल पे।